त्रिवेदी जी, ये जवाब तो हमने सुन लिया। दिल्ली की बेटी का जवाब भी दे दीजिए, जो कह रही है बड़ा भाई मानती थी अरविंद केजरीवाल को, कोई संवेदना नहीं है क्या भावना किशोर की तरफ? मैं वही बोल रहा हूँ, मैं उसी के ऊपर आ रहा हूँ। अगर अगर रिपोर्टर के साथ कुछ गलत हुआ है, अगर बुरा हुआ है, अगर रिपोर्टर कुछ अच्छा अगर उनके साथ आपको संदेह है, आपको संदेह है, आप पे कोर्ट के दो दो ऑर्डर पड़े हैं कि नहीं? अब मैं बोल रहा हूँ, अब मैं शायद उसकी नहीं, आपको आपको तो भ्रम है कि शायद ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि आप कह रहे हैं अगर ऐसा हुआ है। कोशिश कर रहा हूँ, तब भी नाविका जी आप मुझे बोलने नहीं दे रही। अब तो मैं उनकी फेवर में कुछ तो बोलने दीजिए मुझे। मैं किसी बच्ची की फेवर में बोल रहा हूँ, मैं वो बच्ची की फेवर में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर उसके साथ कुछ बुरा हुआ अगर तो उसके प्रकार की उसकी उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये मेरा जवाब है। लेकिन उसके लिए आप केजरीवाल जी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। किसको ठहराए जी? आप किसी को किसको ठहराए जी? सर जी, सर जी किसको ठहराए? मुख्यमंत्री है, ये पंजाब में हुई घटना है। आप शीश महल को वो लड़की के साथ जोड़ रहे हैं, ऐसा उदाहरण दूसरा भारत में दे दीजिए किस तरह के साथ जोड़ रहे हैं, घटना घटी है। तो आप यही, तो उसका मतलब यही हुआ ना कि भारत में भाजपा की जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ पे सुपर सिंह नरेंद्र मोदी जी का शासन है। नरेंद्र मोदी जी तो प्रधानमंत्री है। आशुतोष जी, ये भ्रम त्रिवेदी जी को अभी भी है, ईशांत त्रिवेदी जी को, कि अगर भावना के साथ ऐसा हुआ, ये अगर मगर के बीच में क्यों उलझे हुए हैं? क्या भावना की बात इन्हें समझ में नहीं आती? हाईकोर्ट के दो दो ऑर्डर इन्हें समझ में नहीं आते? ये क्या बात है कि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अकाउंटेबिलिटी से भाग रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद से ये डिबेट अपने आप में खत्म हो जानी चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि ये बदले की कार्रवाई की गई थी और टाइम्स नाउ को एक तरीके से सबक सिखाने की कोशिश की गई थी। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक यंग रिपोर्टर जो अपना काम ईमानदारी के साथ कर रही थी, और उसकी गिरफ्तारी के पहले के जो वीडियोज है बहुत साफ दिखाई पड़ रहे हैं कि किस तरीके से तमाम पुलिस वाले उसको स्टॉक कर रहे हैं, पुलिस वाले उसको वहां खड़े नहीं होने दे रहे हैं, पुलिस वाले लगातार उसकी फोटो खींच रहे हैं। देखिए, पत्रकारों के साथ अगर आप इस तरीके की हरकत करेंगे तो दुनिया के किसी कोने में आपको सहानुभूति नहीं मिलने वाली है। जो आरोप हम दूसरी पोलिटिकल पार्टीज के ऊपर लगाते हैं, जो हम बीजेपी के ऊपर लगाते हैं, जो हम कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगाया करते हैं, अगर वही काम हम आम आदमी पार्टी की सरकारें अगर करेंगी तो फिर उनके बारे में भी लोग उसी तरीके की बातें करेंगे जैसे वो दूसरी पार्टी। आशुतोष जी, अभी तो कुछ नहीं हुआ, हमारे पत्रकार दोस्तों का हमें फोन आ रहा है, ये कहा जा रहा है कि केजरीवाल जी ने लिस्ट मंगाई है, जितने भी एम्प्लॉई हैं नव भारत के, वो उनमें से दिल्ली में कौन रहते हैं उनका एड्रेस ढूंढा जाए, उन्हें एमसीडी से नोटिस दिया जाए, उनको पानी का बिल दिया गया है कि नहीं, पानी काटा जाए, और अगर कुछ भी हमारे खिलाफ ना मिले तो हमारे घर के सामने की सड़क खुदवा दी जाए ताकि हम बाहर निकल ही ना सके। सुजाता पांडे जी, ये हमारे हमारे ही पत्रकार दोस्त हमें बता रहे हैं, अब पता नहीं सच है कि नहीं है, पर आशुतोष जी आपको तो पता होगा काम करने का तरीका। देखिए, इस तरीके की धमकियां तमाम राजनीतिक दलें करते रहते हैं, इस तरीके की सरकारें करती रहती हैं, लेकिन अगर पत्रकार अगर इन सब चीजों से डर जाएगा, अपना काम नहीं करेगा, तो फिर इस देश के अंदर पत्रकारिता रहेगी नहीं। बहुत सारे नेता आए, बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने इस तरीके की धमकाने की कोशिश की, और ऐसा नहीं पहली बार कोई पत्रकार गिरफ्तार हुआ, इसके पहले भी पत्रकार गिरफ्तार। मैं तो आपको दिखा सकता हूं कि रोज किस तरीके की धमकियां मेरे पास आती रहती हैं, लेकिन हमारा काम है उनको इग्नोर करना और आगे बढ़ना। अगर अगर वो करना चाहते तो करके देख ले, अगर इस तरीके की हरकत करेंगे तो दिल्ली के अंदर भी उनका जो समर्थन है वो भी कम होगा, इससे कोई फायदा नहीं होगा पत्रकारों से। की बसें चल रही हैं क्यों शहजाद पूनावाला जी? मैं तो कहूंगा कि ये बनावट के उसूल नहीं, ये सजावट के महल में जो बैठे हैं वो अपने आप को एक सद्दाम हुसैन की तरह ही देखते हैं। सद्दाम हुसैन का केवल महल नहीं बनाया, सद्दाम हुसैन जैसी मानसिकता भी अपनाई है, इसीलिए जैसे सद्दाम हुसैन जैसे तानाशाह जैसे लिस्ट बनाकर वेंडेटा पॉलिटिक्स के तहत लोगों को हंट करते हैं, वैसे हंटिंग की एक प्रक्रिया है। परंतु मेरा दो या तीन सवाल है, पहले हुड्डा जरीवाला जी आपसे, कितने लोग मरने चाहिए तब जाकर आप इस आतंकी मंसूबे को खतरनाक मानने का प्रयास करेंगे? पहली बात। दूसरी बात, ईशान जी आप इससे सवाल पूछ रहा हूँ, अगर आप 500 पुलिस के लोगों को, अब सुन लीजिए ना, तीन सवाल है, अरे तीन सवाल है हुड्डा जी, जरीवाला जी, तीन सवाल है, सुन लीजिए।
थोड़ा धीरज रखिए। पहला सवाल आपसे था, दूसरा सवाल ईशान त्रिवेदी जी, अगर 500 पुलिस वाले भावना को ट्रैक और ट्रेस करने में नहीं बल्कि सुरक्षा में लगाए जाते गोल्डन टेम्पल के इर्द गिर्द, तो क्या ये ब्लास्ट नहीं होता, ऐसी संभावना ज्यादा नहीं होती? और तीसरा सवाल, क्या ये सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल की अकाउंटेबिलिटी पॉलिटिकल रूप में नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं 7 दिन में माफिया गैंग को गिरफ्तार करूंगा, उनको गिरफ्तार करना तो दूर, बेअदबी करने वाले लोगों को पकड़ना तो दूर, आज जिस प्रकार की स्थितियां गोल्डन टेम्पल के पास बनी हुई है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, वादा किसने? 40 दिन लगे थे अमृतपाल को पकड़ने के लिए, वो भी उसने खुद सरेंडर किया था। भावना किशोर पर झूठा केस लगाकर फटाफट गिरफ्तार कर लिया, सारे नियमों का उल्लंघन।